इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ टूल्स के बारे में। हालांकि जब हम वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी वैरायटी ऑफ टूल्स अवेलेबल है गूगल पर। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो और आप किस तरीके का कंटेंट या किस तरीके की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आप अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो टूल है वो है आपका बगसूट। तो बगसूट जो है वो पोर्ट स्ट्रीगर की तरफ से दिया गया एक अपना खुद का एक प्रोडक्ट है। बगसूट आपका एक इंटरसेप्शन भी होता है, प्रॉक्सी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्रूट फोर्सिंग अटैक्स भी इससे कर सकते हैं, हम इससे इंटरसेप्शन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को MITM कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बगसूट के थ्रू हो सकती हैं और ये काफ़ी पावरफुल टूल है। इसके बारे में आगे हम जानेंगे डिटेल में, इसको इंस्टॉल करने की प्रोसेस से लेकर कैसे इसको सेटअप करते हैं, कैसे इसको चलाते हैं और कौन कौन से इसके अंदर एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, वो सारा हम देखेंगे। लेकिन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ कॉमन से टूल हमने दिए हुए हैं, जैसे कि W3AF हो गया, आपका बगसूट हो गया, SQLmap हो गया। अगर आप डाटाबेस पर अटैक परफॉर्म करना चाहते हैं, डाटाबेस से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं, मॉलिशियस क्वेरी इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप SQLmap यूज़ कर सकते हो। मेटास्प्लिट खुद में एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिससे आप पेलोड क्रिएट कर सकते हो, एक्सपर्ट्स उसके अंदर इनबिल्ट होती हैं आपकी, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। हाइड्रा हो गया आपका, अगर आप किसी भी लॉग इन फॉर्म पे ब्रूट फोर्स अटैक करना है, यूजर नेम और पासवर्ड पे ब्रूट फोर्स लगाना है, तो आप हाइड्रा यूज़ कर सकते हो। जॉन द रिपर हो गया, अगर आपको किसी भी तरीके के हैशेस को क्रैश करना है या फिर आप किसी भी तरीके की NTLM फाइल्स को या फिर ब्रूट फोर्स करना चाहते हो, तो आप जॉन द रिपर भी यूज़ कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो किसी भी तरीके के इंक्रिप्शन को। स्किप फिश टूल हो गया, रेड प्रॉक्सी हो गया, WFuzz हो गया और वॉचर हो गया। तो ये कुछ टूल्स हैं जो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक टूल का अपना अपना यूज़ है, हर एक टूल अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप डाटाबेस पर अटैक परफॉर्म करना चाहते हो तो आप SQLmap यूज़ करोगे, आप ब्रूट फोर्स करना चाहते हो तो आप हाइड्रा यूज़ करोगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पैनल पे चेकिंग कर रहे हो, किस पोर्शन पे वेबसाइट के, क्योंकि वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस में आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अबाउट सेक्शन अलग होता है, कॉन्टैक्ट अस अलग होता है, आपका लॉगिन पोर्टल अलग होता है, तो हर जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी, अलग अलग अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो आपको। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीज़ें करना चाहते हो। तो जब भी हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, तो बगसूट का जो नाम है वो सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला टूल है जिसको आपके हैकर्स बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ करते हैं। इवन बग बाउंटी हंटर्स जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखेंगे आगे, इन सब टूल्स के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन और हम इस्तेमाल भी करने वाले हैं इनमें से काफ़ी सारे टूल्स का। इवन बगसूट का तो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये कुछ कॉमन टूल्स थे जिनका हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं।